ने तबाही मचाई हुई। इस दरमियान एक बेहद दुखदायी खबर, आर्मी कैंप नूं लैंडस्लाइड हुई। आर्मी कैंप के उपर पूरा पहाड़ आ डिग गया, 45 के करीब जवान थले आ गए ने, दबे गए ने। 7 जवानों की मौत हो गई, लापता दसे जा रहे ने। लोहा पुंग फास है, रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया है। बनी के चलते पूरा का पूरा पहाड़ तो दिंगन हो तंग हो तो बेजंग हम लोग नहीं जीते। चलते सारी गिनती के जवान हेठा आ गए ने, दबे गए ने। उन्होंने कड़न के वास्ते रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। दसिए कि मणिपुर की यह घटना है, मणिपुर के आर्मी कैंप के कोले लैंडस्लाइड होया। इस हुण तक 7 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। मणिपुर की लैंडस्लाइड जो हुई है नोनी जिले के विच हुई है, जिथे रेलवे स्टेशन के कोल भारतीय सेना की जो आर्मी कैंप लग्या होया सी उस लोकेशन दे विच लैंडस्लाइड दे चलदे नुकसान पहुंचिया है। दसिया जा रहा है कि 7 लाशां हुण तक कढ़ियां जा चुकियां ने। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, जो जिन्हां नूं कढ़िया गया उन्हां नूं हस्पताल पहुंचाया जा रहा है। प्रशासन दे मुताबक 45 लोग लापता ने। इस दरमियान लगातार राहत अते बचाव कार्य जारी ने। मलबे नूं हटा के हेठां दबे लोगों नूं बाहर कढ़न की कोशिश की जा रही है। दस दी कि इस तो पहला आर्मी ने उन्होंने 2 लोगों की मौत की जानकारी दी सी, ते 20 लोग लापता दसे गए सी। पिंड वाले ने भी एक बच्चे समेत 5 लोगों के लापता होने की गल कही सी। इस दे नाल ही रेलवे स्टाफ तो भी 6-7 लोग मिसिंग दसे जा रहे ने। कुल मिला के 45 लोग ने। दस दी कि नोनी जिले के विच रेलवे स्टेशन के कोल यह आर्मी कैंप लग्या होया सी। इत्थे ही ये भयानक लैंडस्लाइड होया है, पूरा का पूरा पहाड़ हेठा आ डिग गया। काफ़ी ज़्यादा मलबा सी जिदे हेठा लोग आ गए, जिन्हां दे विच दस्या जा रहा है कि कुछ लोग जो इत्थे विलेज पैंदा है, पिंड पैंदा है, उहदे नाल संबंधित सी, उहदे वासी भी सन। कुछ आर्मी के जवान सन ते कुछ रेलवे के अधिकारी भी आ, जिन्हां दी लापता होने की जानकारी दसी जा रही। इस घटना के उपर पीएम मोदी ने दुख भी जताया। मोदी ने ट्वीट करके कहा कि उन्होंने मणिपुर के सीएम के नाल इस घटना लैके गल की है, तो लैंडस्लाइड के जो रीजन ने उन्होंने समीक्षा करने के वास्ते भी किया। नाल दी नाल जो सिचुएशन बनी हुई है वो उपर भी उन्होंने निगाह बनाई हुई है। केंद्र तो हर संभव मदद का भरोसा भी उन्होंने दिता है। पीएम मोदी ने कहा कि मेरिया संवेदनावां ने उन्होंने परिवारों के नाल जिन्हों के अपने इस दे विच जान गवा चुके ने, नाल दी नाल ओह जख्मियों के जल्द सेहतयाब होने की कामना भी उन्होंने वालों की जाती है। दस दी कि लैंडस्लाइड के बाद मणिपुर सरकार एक्शन मोड के विच है। सीएम एन बीरेन सिंह ने लैंडस्लाइड की जानकारी लैण के वास्ते एमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई है। लगातार पैनी नज़र बनाए हुए ने राहत ते बचाव कार्य के उपर। वड्डी गिणती च जो बचाव कर्मी ने इत्थे पहुंचे हुए ने, लोगों नूं कढ़न की कवायद उन्होंने वालों होर ज़्यादा तेज़ कर दी गई है। कुछ घंटे पहला की एक घटना है। दस दी कि देश के कई हिस्सों के मानसून दस्तक दे चुके हैं, बरसात हो रही है कई हिस्सों के विच, ये भी पहाड़ी इलाका नजर आ रहा है। जो तस्वीर सामने आई ने, तो इतने नोनी जिले के एक पिंड के लैंडस्लाइड हुई है। रेलवे स्टेशन के नज़दीक ही आर्मी का कैंप इतने लग्या होया सी, ते उसे वह भी इसकी चपेट के आ गया। 45 लोग लापता दसे जा रहे ने। खदशा जताया जा रहा है कि 45 लोग लापता हुए ने। कुछ रेलवे के अधिकारी उहदे च शामिल ने, कुछ पिंड वासी बच्चे भी शामिल ने, ते भारी गिणती दे विच आर्मी दे जवानां दी वी इहदे विच दस्या जा रहा है कि इच शमूलियत हो सकती है। कुछ हुण तक 7 जो लाशां ने उह कढ़ियां जा चुकियां ने। काफ़ी ज़्यादा लोगों के दब्बे होण दा खदशा जताया जा रहा है। राहत ते बचाव कार्य जारी है। कुछ लोगों नूं बाहर कढ़िया गया है, जिन्हां नूं हस्पताल पहुँचाया गया है। तेज़ी दे नाल राहत ते बचाव कार्य किए जा रहे ने। अक्सर बरसात के दिनों के पहाड़ों के खिसकण दी खबर आदि ने, अलर्ट जारी किया जाता है कि लोग अपना बचाव कर सकन, लेकिन कुदरत की मार कदों कित्थे पै जाए इसका अंदेशा लगाना बेहद ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अज मणिपुर तो मंदभागी खबर सामने आई है, जिथे आर्मी के कैंप के उपर यह लैंडस्लाइड हुई है। पहाड़ डिग गया, खिसक गया पहाड़। इतने काफ़ी ज़्यादा मिट्टी है, जो मलबा उसके हेठा लोग दबे गए ने। पिंड वासी भी वेद शामिल ने, आर्मी के जवान शामिल ने, रेलवे के अधिकारी भी शामिल ने, जिन्हों इस लैंडस्लाइड ने प्रभावित किया है। काफ़ी ज़्यादा मलबा ही मलबा इतने दिखाई दे रहा है। गिली मिट्टी है जो मलबा है, तो उसनों हटाने के वास्ते काफ़ी ज़्यादा जद्दोजहद करनी पै रही है। राहत ते बचाव कर्मियों उन्होंने वालों लगातार बचाव कार्य किए जा रहे हैं, वध तो वध कीमती जानों बचाने की कोशिश की जा रही है। मियां मुराद अली जी, खुदा दे घर देर है अंधेर नहीं, हर समस्या दा समाधान। समस्या जिवे लव मैरिज, वशीकरण, किता कराया, लॉटरी नंबर होवे या लोटो मैक्स 649।
मेरे और मेरे पति के बीच में बहुत अनबन रहती थी, जिसकी वजह से मैं बहुत सारे तांत्रिकों से मिली पर मुझे कोई समाधान नहीं मिला। उसके बाद मैं मियां मुराद अली जी से मिली, जिससे कि अब मैं अपने वैवाहिक जीवन में बहुत खुश हूँ। पहला मेरा लव मैरिज रूल है कि कोई भी काम नहीं बन रहा सी, बहुत जगह ते धक्के खाए, फिर बाद विच मैनू किसी ने मियां मुराद जी अली बारे दस्या ते अज देखो मैं अपने वैवाहिक जीवन दे विच बहुत खुश हां। कारोबार एकदम ठप हो गया सी, असि बड़े औखे हो गए। फिर सानू किसी ने मियां मोहम्मद अली जी बारे दसिया, उन्हां ने सारी साडी समस्या दा चंगी तरह जुड़ो निपटारा कर दिता, हुण असि बहुत खुश। हुणे कॉल करो 98417 18786 97797 24075।